नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज एमए प्रीवियस की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वैज्ञानिक पद्धति, उसके आगे के पार्ट को पूरा कराऊंगी। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति पार्ट टू। सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति, ये समझने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस जो हमारा पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, और इसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तभी वह वैज्ञानिक पद्धति बनकर निकल कर आती है। बहुत सारे विद्वानों ने हमें ये बताया है कि विषय वस्तु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पद्धति है। यदि उसकी में हम जिस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं तभी वह सब्जेक्ट विज्ञान बन पाता है। तो इसके स्टेप्स, इसकी विशेषताएं, ये हमने कल के वीडियो में अध्ययन कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति। क्या सामाजिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहला है, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ये तो हम सब जानते हैं। और समाजशास्त्र के जो हमारे जनक थे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे, वे भी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति को ही अपनाया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का ही पालन किया जाता है। अब चूंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए समाजशास्त्र को भी विज्ञान कहा जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं, यह हम देखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं एवं समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, और उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें वे सभी चरण यूज में लिए जाते हैं, उन सभी चरणों का प्रयोग किया जाता है जो वैज्ञानिक पद्धति के स्टेप्स हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में भी हम जैसे तथ्यों का सबसे पहले समस्या का चुनाव करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और फिर सिद्धांत पर पहुंचते हैं, उसी तरह सामाजिक विज्ञानों में भी वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अध्ययन की पद्धति के आधार पर ही सामाजिक विज्ञान की प्रकृति भी वैज्ञानिक है। और कार्ल पियर्सन ने भी ये कहा था कि विषय वस्तु के स्थान पर पद्धति के आधार पर ही विज्ञान का निर्माण होता है। सेकंड है अवलोकन। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्य संकलन की प्रविधि का विशेष महत्व होता है, और अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। अवलोकन वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि अवलोकन तीन प्रकार का होता है, सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। तो प्राकृतिक विज्ञानों में तो केवल असहभागिक अवलोकन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाज विज्ञानों में हम अर्ध सहभागी और सहभागी दोनों प्रकार के अवलोकन का प्रयोग करते हैं, और उसके आधार पर तथ्यों को एकत्रीकरण करते हैं, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, और यह सारा कार्य क्रमबद्ध और नियोजित रूप से होता है। इसलिए अवलोकन के आधार पर सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि अवलोकन में उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है तथ्यों का विश्लेषण। जब हम अपने उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों का एकत्रीकरण कर लेते हैं, तथ्यों का संकलन कर लेते हैं, तो उसके पश्चात हम तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करके उनका विश्लेषण किया जाता है। वर्गीकरण के लिए उनका सारणीयन किया जाता है, और सारणीयन के पश्चात जब हम डेटा को व्यवस्थित क्रम में बांट देते हैं तो फिर उनका विश्लेषण करते हैं, और
यह सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की वैज्ञानिक प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि इसके अंदर तथ्यों का विश्लेषण वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम जो स्टेप है वह है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, कि जो तथ्यों के विश्लेषण के बाद हमने कंक्लूजन निकाला है उसको हम एक सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वह सिद्धांत ही सामान्यीकरण का रूप ले लेता है। तो उसी तरह समाज विज्ञानों में भी वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है और फिर उस सिद्धांत से हम जनरलाइजेशन पर पहुँचते हैं, कि जैसे हमने शिक्षा का अध्ययन किया कि महिला शिक्षा में वृद्धि होने से बालिका या घर में जो बालक बालिका हैं उनके पोषण का स्तर भी अच्छा होता है, तो हम अपने डेटा को उस आधार पर कलेक्ट करेंगे, डेटा का वर्गीकरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे और इस सिद्धांत तक पहुँचेंगे कि हाँ, महिलाओं का शिक्षा का स्तर बढ़ाने से घर में बच्चों का पोषण स्तर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है क्या है का अध्ययन। समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है इसके स्थान पर कि क्या होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि क्या होना चाहिए, बल्कि जो दिखाई दे रहा है उसी का उसी रूप में वर्णन, वस्तुनिष्ठ अध्ययन की तरफ देखा जाता है। तो समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक क्रियाओं को क्या है, कैसे है, क्यों है को ध्यान में रखकर हम अध्ययन करते हैं और कारणों का प्रभाव भी क्या होगा के आधार पर विवेचन किया जाता है, ना कि क्या होना चाहिए। तो इस दृष्टि से भी सामाजिक विज्ञानों को हम वैज्ञानिक मान सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। सामाजिक विज्ञान में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है, कार्य कारण संबंधों का अवलोकन संग्रहण किया जाता है और घटना के परिणामों के कारणों की खोज की जाती है। ये देखा जाता है कि ये घटना किन कारणों से घटित हुई है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है कि किस आधार पे घटना को हमने घटित होते हुए देखा है और इन इन कारणों का किसी भी घटना पर क्या प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। तो सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र है, उसके अंतर्गत घटना के कार्यकारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट सिद्धांतों का निर्माण। सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, उसके आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है और अंत में सामान्यीकरण सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने के प्रयास होते रहते हैं, चलते रहते हैं और धीरे धीरे हम सिद्धांत निर्माण की ओर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांतों की जांच, पुनर्परीक्षा। जैसा कि हमने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता में पढ़ा था कि सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है, तो सिद्धांतों की जांच भी की जाती है। समय समय पर जो सिद्धांत बने हुए हैं उनको जांचा जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, यह भी वैज्ञानिक पद्धति का ही एक आधार है। नेक्स्ट सिद्धांत की सार्वभौमिकता। कल भी मैंने बताया था कि सार्वभौमिकता जो यहाँ सच है वो है सभी जगह सच है, यही कहलाती है सार्वभौमिकता। तो जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत में सार्वभौमिकता पाई जाती है, उसी तरह सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत भी सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति के चरणों के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, अतः यह सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह मान्य होते हैं। नेक्स्ट है भविष्यवाणी की क्षमता। जब सामाजिक विज्ञान क्या है का अध्ययन करता है तो इसके आधार पर क्या होगा की भविष्यवाणी भी की जा सकती है, कि जब इस तरह की घटनाक्रम है, इस तरह के संबंध हैं, तो इनके मध्य कैसा इसका क्या परिणाम होगा, यह है भविष्यवाणी की क्षमता। तो सामाजिक विज्ञान में भी भविष्यवाणी की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। ये सारे
ये सारे कारक बताते हैं, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें भी भविष्यवाणी करने की क्षमता है, सिद्धांतों में सार्वभौमिकता पाई जाती है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्या है का अध्ययन किया जाता है, इसमें अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक होने का सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रकृति पाई जाती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये तो सारे फैक्टर्स ये सिद्ध करते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक प्रकृति पाई जाती है, पर क्या सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है? नहीं, इसके कुछ सीमाएं हैं। सामाजिक विज्ञान की कुछ सीमाएं हैं जो इसको पूर्ण विज्ञान, जो प्राकृतिक विज्ञान है, उस तरह का बनने में थोड़ा सा उसको बाधा डालती है, रोकती है। तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की सीमाएं। फर्स्ट, भविष्यवाणी की असमर्थता। हालांकि हम सामाजिक विज्ञानों में भी वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का ही प्रयोग करते हैं और उसी आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान पूर्णतया भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भविष्यवाणी की असमर्थता इसके अंदर पाई जाती है, इसमें एक सीमा है, वहीं तक भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि सभी समाजों, सभी कालों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, सभी स्थानों पर अलग अलग नॉर्म्स का पालन होता है, और उस आधार पर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा के आधार पे जो हमारे कंक्लूजन्स आते हैं, जो भविष्यवाणी हम करने की क्षमता रखते हैं, उसमें थोड़ी लिमिट आ जाती है। तो सामाजिक विज्ञान में अनिश्चितता, जो सामग्री की अनिश्चितता है, उसके कारण भविष्यवाणी में भी अनिश्चितता रहती है। नेक्स्ट है वस्तुपरकता का अभाव, लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वैज्ञानिक हमेशा निष्पक्ष होकर और पक्षपात रहित होकर ही अपना अध्ययन कार्य करता है। चूंकि सामाजिक विज्ञानों में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, यहाँ अनुसंधानकर्ता भी एक इंसान है और जिसका रिसर्च होने वाला है वह भी एक मानव है, तो कभी कभी वैज्ञानिक के अपने व्यक्तिगत गुण, उसके मूल्य कभी कभी रिसर्च में बाधा डाल देते हैं और इससे थोड़ी सी अध्ययन की वैज्ञानिकता में कमी आ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं वस्तुपरकता का अभाव हमें वहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है घटनाओं की जटिलता। सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, समाज में घटने वाली घटनाओं का, और इनकी प्रकृति बहुत जटिल होती है। एक ही घटना पर बहुत सारे कारक प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि इस कारक के प्रभाव से ये घटना घटी है, बल्कि कई सारे कारक मिलकर, कई सारी परिस्थितियां मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम देती है। तो सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की सामग्री मानव व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, मानव समूह आदि होते हैं, जिनकी संरचना बहुत जटिल होती है और जटिलता के साथ साथ उनमें परिवर्तन भी आता रहता है। इसी कारण से उनमें अनिश्चितता बनी रहती है और ये जटिलता, ये परिवर्तन वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को वस्तुनिष्ठ अध्ययन में लाने में थोड़ी बाधा डालता है। तो ये एक सीमा है घटनाओं की जटिलता, सामाजिक घटनाओं की जटिलता एक सीमा है जो सामाजिक विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को थोड़ा सा बाधा डालती है। नेक्स्ट है अध्ययन की वस्तु मेधावी मानव। हमने बताया कि समाजशास्त्र में मानव के द्वारा मानव का अध्ययन किया जाता है और मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वह उसके विचार भी प्रतिपल बदलते रहते हैं और वह अपने जैसे ही हमारे कार्य को कोई देखता है, हम किसी कैमरे के सामने होते हैं तो हमारा तरीका बदल जाता है। तो इसी तरह जब किसी घटना का अवलोकन किया जाता है तो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया उस कैमरे के सामने अलग तरह से देने लगते हैं। तो
इस विज्ञान में अनुसंधान और सूचनादाता, अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता दोनों मानव हैं, इसीलिए सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुडे और हार्ट ने इसी संदर्भ में लिखा है कि वैज्ञानिक मानव के संबंध में भविष्यवाणी करता है और मानव में यह क्षमता है कि वह जानबूझकर उन भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दे। इस तरह से कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो सामाजिक विज्ञान में पाई जाती हैं: भविष्यवाणी की असमर्थता, वस्तुपरकता का अभाव, घटनाओं की जटिलता, अध्ययन की वस्तु मेधावी मानव। इसीलिए सामाजिक विज्ञान में पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। फिर भी अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष रहकर अपने अध्ययन में वैज्ञानिकता ला सकता है और अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास कर सकता है, तभी सामाजिक विज्ञानों में भी सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण हो पाएगा। तो आज हमने वैज्ञानिक पद्धति का पूरा चैप्टर समझ लिया है। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किस तरह किया जाता है, या सामाजिक विज्ञान विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की भांति हैं क्या, और वे कौन सी सीमाएं हैं जो सामाजिक विज्ञान में पाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।